नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज होगी मॉनसून की विदाई। बिहार के स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी ऑफिस, आदेश हुआ जारी। बिहार में यहां लगेगा 18 अक्टूबर को रोजगार मेला। ट्रेंट बोल्ट ने ब्रेटली को पीछे छोड़ रच दिया नया इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज होगी मॉनसून की विदाई। आज यानी कि शनिवार को मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मॉनसून की विदाई होने वाली है। वहीं राज्य के अधिकतर जिलों से बीते दिन ही मॉनसून की वापसी हो चुकी है। वहीं अगले 24 घंटे में सीमांचल से भी इसकी विदाई हो जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेश आशीष कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 1 जून से 30 सितंबर तक राज्य में 760.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस दौरान 992.2 मिलीमीटर पानी होनी चाहिए थी। यानी कि इस बार मॉनसून सीजन में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 23% कम है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जून और जुलाई महीने में 48% बारिश की कमी दर्ज की गई है। हालांकि अगस्त और सितंबर में इससे बेहतर बारिश हुई है। बिहार के स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मधेपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इसी दौरान के पाठक की ओर से प्रधानाचार्य को निर्देश देते हुए कहा गया कि कोई भी छात्र अगर लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उनके नाम को काट दिए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन के पाठक की ओर से भिड़की स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में वर्ग कक्षा, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद अपर मुख्य सचिव जिला मुख्यालय स्थित अतिथि गृह में विश्राम करने के बाद सिंहेश्वर की ओर निकल पड़े, जहां से वे सुपौल निकल पड़े। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव के द्वारा कक्षाओं में बेंच की कमी को लेकर अधिकारियों को छात्रों के लिए बेंच और डेस्क मुहैया कराने का निर्देश दिया। आज लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। आज यानी कि 14 अक्टूबर को वर्ष 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का असर देश या बिहार पर नहीं पड़ने वाला। बता दें कि सूर्य ग्रहण का असर विदेशों में देखने को मिलेगा। मालूम हो कि सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है, वहीं भारतवर्ष में जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है तो सूतक नहीं लगेगा। आज लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार रात 8:34 से शुरू होने वाला है, जो कि रात 2:26 पर समाप्त होगा। इस दौरान पृथ्वी के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देंगे तो वहीं कुछ हिस्सों में वलयाकार ग्रहण दिखाई देंगे। बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक 38,000 की सैलरी में जी रहा था करोड़पति जिंदगी। बीते दिन ईओयू के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक सह उप महाप्रबंधक शिशिर कुमार वर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना व बेतिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शिशिर कुमार वर्मा का वेतन करीब 38,000 रुपए है, जिसमें वे 23,000 रुपए मासिक किराए के फ्लैट में रहते हैं और बिजली बिल अलग से, ऐसे में किराया भरने के बाद उनके पास 15,000 रुपए बचते हैं, जिसमें आलिशान जिंदगी जी रहे थे। बता दें कि बीते दिन हुए छापेमारी में उनके पास से 20,000 नकद सहित अन्य दस्तावेज मिले हैं। वही आवासीय परिसर से 31 जमीन के दस्तावेज सहित 27 लाख के गहने जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 2 महंगे 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी ऑफिस, आदेश हुआ जारी। बिहार सरकार के अपर सचिव के द्वारा आदेश जारी कर यह जानकारी दे दी गई है कि बिहार के सभी सरकारी कार्यालय कल यानी कि रविवार को भी खुले रहेंगे। वहीं मालूम हो कि आज शनिवार को भी सरकारी कार्यालय खुले रहे। बता दें कि अपर सचिव के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के प्रशासनिक हित में प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जो योजना बनाई गई है, उसके कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय आदेश के अनुसार 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 24 एवं 27 तारीख की के सभी सरकारी दफ्तर सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। इसमें कहा गया है कि दिनांक 14 अक्टूबर यानी शनिवार एवं 15 अक्टूबर रविवार को भी सभी कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। बिहार के सभी कर्मियों को अब बढ़े वेतन के साथ मिलेगा प्रमोशन। बीते दिन मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा की गई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया है कि सभी विभागों को प्रोन्नति देने का निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में अब इस दिशा में विभाग की ओर से पहल की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से राज्य में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब सभी विभागों में प्रोन्नति की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस स्तर पर पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उसे उस स्तर का नियमित वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव के द्वारा बताया गया कि एससी व एसटी के 17% पदों पर पदोन्नति नहीं होगी। बिहार में यहां लगेगा 18 अक्टूबर को रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 18 अक्टूबर को छपरा में रोजगार मेला आयोजित किया जाने वाला है। इसको लेकर जिला नियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस रोजगार मेला का आयोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा कार्यालय परिसर सुबह 10:30 से शाम 4 तक आयोजित किया जाने वाला है। इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। ऐसे में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी
रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं वे अपने बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड लेकर आयोजन स्थल पर आए। वहीं अभ्यर्थियों को जिला नियोजनालय कार्यालय में निबंधन होना आवश्यक है, जो कि भारत सरकार के पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। पवन खेसारी के गाने सुनते हैं बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक। बीते दिन बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरमान मलिक एक कॉन्सर्ट के लिए पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भास्कर से किए गए बातचीत में बताया कि भोजपुरी गाने बहुत ही एनर्जेटिक लगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के भी गाने सुने हैं, जो उन्हें बहुत ही मजेदार लगे। उन्होंने कहा कि वे पहली बार पटना आए हैं और उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहां का फेमस लिट्टी चोखा भी खाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे यहां बहुत सारे फैंस बरकरार रहें और मैं यहां आते रहूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसा गाना आए जिसे मैं भोजपुरी में गा पाऊं। बीजेपी ने ललन सिंह पर बोला हमला। पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर रणवीर नंदन एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह के द्वारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि उनकी भाषा कभी मर्यादित नहीं रही और अब वे अमर्यादित व्यवहार के शिखर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता मान लिया है और उसी के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। वे अब जदयू और नीतीश कुमार को पूरी तरह बर्बाद करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने खुद कितने घाट का पानी पिया है यह पूरा बिहार जानता है। लालू यादव के खिलाफ थे तो जदयू में रहते हुए चारा घोटाला के सबूत कोर्ट तक पहुंचाएं। बाद में जब जदयू में नीतीश कुमार से ठन गई तो उनके पेट के दांत ललन सिंह को दिखने लगे और ऑपरेशन करने की बात करने लगे। अश्विनी चौबे रामलीला में करेंगे अभिनय। बीते दिन दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 अक्टूबर को ऐतिहासिक लाल किले के मैदान में लव कुश कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में महर्षि विश्वामित्र का अभिनय करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं विश्वामित्र की तपोभूमि से ही हूँ। मालूम हो कि इससे पहले भी वर्ष 2022 में अश्विनी चौबे के द्वारा विश्वामित्र का अभिनय किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बक्सर अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है, एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मालूम हो कि बक्सर को महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि माना जाता है। सीएम नीतीश पर सुशील मोदी का हमला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के कुल बजट का 7% केंद्रीय सहायता पर निर्भर है, उसके मुख्यमंत्री को तथ्य छिपाकर बात नहीं करनी चाहिए। 1,00,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर बिहार में 14 दर्जन से ज्यादा मेगा ब्रिज और 4-6 लेन सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वह क्या केंद्रीय मदद नहीं है? बिहार में जो भी ढांचागत विकास हुआ है वह केंद्र की सहायता से संभव हुआ है और इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। क्या बिना केंद्र की मदद से राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? उन्होंने कहा कि बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा राशि मिलती है, क्या यह केंद्रीय सहायता नहीं है? हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस का बयान। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हाजीपुर सीट को लेकर कहा कि एक बात जान लीजिए कि कोई टक्कर नहीं होने वाली है। एनडीए के हम स्थायी सदस्य हैं। कल वो आदमी एनडीए में रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, दर्जनों बार कह चुका हूं। इसके बाद जिसको जहां से लड़ना है ताकत आजमाइश करना है कर ले, सब कोई स्वतंत्र है। जब तुम हाजीपुर से अपनी माँ को लड़वा सकते हो तो हम भी जमुई से किसी को लड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसी के परिवार से किसी को लड़वा देंगे, उसी की माँ या बहन को लड़वा देंगे। पूर्व सीएम के बेटे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया एमएलसी। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दिए जाने के बाद से राज्यपाल कोटे से मनोनीत विधान परिषद सदस्य की एक सीट खाली थी, जिस पर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले प्रोफेसर राज्यवर्धन आजाद को मनोनीत किया गया है। इसको लेकर राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि प्रोफेसर राज्यवर्धन को विधान परिषद भेजा गया है। मालूम हो कि डॉक्टर आजाद देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ही डॉक्टर राज्यवर्धन को विधान पार्षद बनाने के लिए अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद राजभवन की ओर से उन्हें एमएलसी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे गिरिराज सिंह, सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव के साथ साथ कई बीजेपी नेता के द्वारा राज्यपाल से मुलाकात की गई। वहीं मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि बिहार में तुगलक की सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। बिहार में मंदिर तोड़े जाते हैं, दुर्गा पूजा में भी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जबकि मुस्लिम के किसी भी पर्व के दिन छुट्टी दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार की तुगलक की सरकार यह सोचती है कि मुसलमान का वोट ले और हिंदुओं को जाति में बांट दे, लेकिन अब समय आ गया है कि हिंदू अपनी रक्षा के लिए एकजुट हो इस सरकार के सामने।
ट्रेंट बोल्ट ने ब्रेटली को पीछे छोड़ रच दिया नया इतिहास। वर्ल्ड कप 2023 का 11वां मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के द्वारा 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर इतिहास रच दिया गया। बता दें कि तस्किन अहमद को आउट करते हुए ट्रेंट बोल्ट तीसरे सबसे तेज 200 विकेट लेने का कारनामा करने वाले गेंदबाज बने और इसी के साथ इन्होंने ब्रेटली को पीछे छोड़ दिया है, जो अब चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर मिशेल स्टार्क है, तो वहीं दूसरे नंबर पर सकलैन मुस्ताक है। वहीं अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। आज से इवनिंग न्यूज में हम अपने दर्शकों के लिए एक खास सेगमेंट ला रहे हैं, जिसमें हम न्यूज बुलेटिन के अंत में अपने दर्शकों से 5 सवाल पूछेंगे। यह सवाल इसी न्यूज से जुड़ा होगा, ऐसे में आपको इन सभी न्यूज को ध्यान से सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है। इससे सबसे ज्यादा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट में लेंगे। हमारा पहला सवाल है, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन ए के पाठक, ऑप्शन बी संजय कुमार सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ऑप्शन डी दीपक कुमार सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए के पाठक। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे 17 अक्टूबर को आयोजित रामलीला में किसका अभिनय करने वाले हैं? ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी महर्षि विश्वामित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि विश्वामित्र। अगला सवाल, तीसरा सबसे तेज 200 विकेट लेने का कारनामा किस क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन सी तस्किन अहमद, ऑप्शन डी ब्रेटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रेंट बोल्ट। अगला सवाल, बिहार का कुल बजट का कितना फीसद केंद्रीय सहायता पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 40%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60%। अगला सवाल, 18 अक्टूबर को बिहार के किस जिले में रोजगार मेला लगने वाला है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छपरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, उमेश ऋषिदेव, नंदन कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद फहीम, भान प्रकाश मौर्य, नोनो गोलू कुमार, ऋषि कुमार, राजेश कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, सिद्धार्थ कुमार, चंदन राज, कृष्ण कुमार यादव, पंकज यादव, प्रमोद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के कौन से नेता आपके मन पसंदीदा नेता हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।